सब हिंदू राष्ट्र की मांग करने को बुरी बात नहीं है। अब इतने बताओ, 204 देश इस पूरे वर्ल्ड के अंदर है, कितने देश हिंदुओं के हैं? जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, आप आंकड़े उठा के देखिए, सिर्फ 4 मुस्लिम कंट्री थी। आज हम पूरे वर्ल्ड के अंदर 57 मुस्लिम कंट्री बन गई है। इंडोनेशिया कभी जो यहूदियों का देश हुआ करता था, आज वहाँ पे 95% मुस्लिम हो गए। वो कैसे हो गए, उसका आपका आपके जवाब है कोई? तो क्या धर्म के खिलाफ नफरत के बीज बोना ये एक मकसद है क्या? आप अपने धर्म की आप अपने धर्म को प्रमोट कीजिए ना। आप राम का नाम लेकर इतनी गंदी फिल्में बनाते हैं, हनुमान जी से ऐसे ऐसे डायलॉग बनवाते हैं, ठीक है। जब आप भगवा कोई कपड़े पहन लेता है तो आपको इतनी खुजली होती है, लेकिन जब हनुमान जी ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं तो आपको कोई बोलता ही नहीं है। तो आप अपने धर्म को मजबूत कीजिए ना। दूसरे धर्म को टारगेट करने का क्या मतलब हुआ? तो भाई साहब ये बताओ मेरे को, कौन सा कहाँ पे टारगेट हुआ? अब टारगेट तो बंगाल के अंदर हो रहा है, वहाँ पे पश्चिम बंगाल मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, दंगे नहीं रुक रहे। तो भाई साहब मणिपुर बीजेपी की अकेले की सरकार वहाँ पे क्या है? वहाँ पे सिर्फ बीजेपी सहयोगी पार्टी है, और वहाँ पे सिर्फ मणिपुर को भारत अगर ये बीजेपी सरकार ने आती तो मैं कहना चाहता हूँ मणिपुर हमारा, मणिपुर नागालैंड पूर्वोत्तर को 7 राज्य हैं, वो हमारे अंदर रहते भी नहीं। वो सारे के सारे को इस पे कभी जो अपना बंगाल बांग्लादेश है वो कब्जा कर लेता, किसी पे नेपाल कब्जा कर लेता, किसी पे चाइना कब्जा कर लेता। सुरक्षा कहाँ है फिर? सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा तो वही तो कह रहे हैं, तभी तो यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। जब आपकी जमीन पे पड़ोसी कब्जा कर ले और फिर आपको सुरक्षित है? भाई साहब वही तो कह रहे हैं, वो पुराने टाइम में था, अब तो नया टाइम है। मणिपुर में तो कल ही आग लग रही थी भाई साहब। भाई साहब मणिपुर में अमित शाह 4 दिन गुजार के आए हैं वहाँ पे। अब ये जो मतलब मीडिया नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट बना रहा है, वहाँ पे जानबूझ के जनता को बरगला के दंगे करवाए जा रहे हैं। जो काम हरियाणा में कुछ टाइम पहले हुआ था जाट आंदोलन वाला, सेम वो काम वहाँ पे हो रहा है, लेकिन सरकार वहाँ पे फैल हो चुकी है। आप मानो चाहे ना मानो, चाहे मीडिया दिखाए चाहे ना दिखाए, भाई साहब अब जैसे आप फेल करने को तो राजस्थान के अंदर भी कह सकते हो फैल, वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे भी बहुत दंगे हो रहे हैं। इधर आप कर्नाटका में चले जाओ, कर्नाटका में 2 महीने सरकार नहीं बनी और वहाँ पे भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के। वहाँ पे जब जिस दिन उनका जो CM का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसी दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। वहाँ पे गाड़ियों के आगे लोग पाकिस्तान के प्लेट लगा के घूमते हैं। वहाँ पे फिर कांग्रेस सरकार वहाँ पे रोक लो, और बीजेपी सरकार ने वहाँ पे रोकने की कोशिश की तो उन्हें मुद्दा भड़का के जनता को भड़का के। फिर आपका तंत्र क्या कर रहा है? जब सेंटर में मोदी सरकार है, फिर क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? पकड़ के जेल में डालो ना। कोई किसान जब मुआवजा मांग ले, किसान MSP मांग ले, तब तो आप उसके लठ मारते हो, लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा भाई साहब पाकिस्तान जिंदाबाद, छोटी भाई किसान हमारा देश है, हमारा भारत का किसान है, वो चाहे MSP मांगे, उसको सरकार MSP देने के विचार भी कर रही है, देगी, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के हमारे देश में नहीं लगे, ये कितने शर्म। तो फिर कार्रवाई करो ना भाई साहब। कार्रवाई कर रही है, उन लोगों को पकड़ पकड़े जेल में डाल रही है, और कार्रवाई भाई साहब रातों रात हथेली पे सर से नहीं पकती, उसके लिए टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर सारा देश काम कर रहा है, और जल्दी ही आपकी पूरी जवाब इसका बात के काम की मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। ये ब्लाइंड बच्चा है इनका, ये इनके स्कूल हैं यहाँ में सिरसा में हेलन गेलन, इनकी कोई इनको सहूलत नहीं मिलती, कोई सुनवाई नहीं होती। हमने फैल भी दी थी, इधर आए थे CM सर, जनसभा रखी थी, एक पैसे का कोई काम नहीं हुआ। इनको खाना आता है हॉस्पिटल से आता है, कोई बढ़िया खाना नहीं आता, बिल्कुल बेकार खाना आता है। कि इनका स्कूल के लिए एप्लीकेशन दी थी, वो भी 12वीं तक नहीं किया गया। बजट मिल चुका है, इनके स्कूल को क्यों नहीं मिला भाई? 15 स्कूलों को बजट मिल चुका है, इनके 16वें स्कूल को क्यों नहीं मिला? सर के पास जाते हैं, वो भी कह रहे हैं, कह देते हैं हाँ भी काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई काम नहीं होता कोई भी। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार के दावे मनोहर लाल सरकार करती है कि हमने दिव्यांगों के लिए काम किए, आप देख सकते हैं किस प्रकार ये दिव्यांग बच्चा यहाँ पर आया हुआ है, इस रैली में आया हुआ है, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, इनकी पेंशन भी नहीं बन रही है, और इनके स्कूल में कोई सुविधा भी नहीं है।